हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक हनीकॉम्ब के चैप्टर नंबर 4 दी एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम को रीड करेंगे। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है दी एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, यानी के वो राख जिसने पेड़ों में बहार ला दी, पेड़ों में हरियाली ला दी। एशेज का मतलब होता है राख, ब्लूम का मतलब होता है हरियाली आ जाना, बहार आ जाना, पेड़ों में फ्लावर्स का लग जाना। अब हम इस चैप्टर को रीड करते हैं। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डाइमियोस देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग। ये जापान के पुराने समय की कहानी है स्टूडेंट्स। डाइमियोस का मतलब होता है बड़े बड़े जमींदार जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती है। पुराने समय में जापान में जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी, उन्हें डाइमियोस कहा जाता था। तो इसका ये मतलब है कि उस समय में जब डाइमियोस थे, जब बड़े बड़े जमींदार थे, एक ओल्ड कपल था यानी कि बूढ़े पति पत्नी थे, जिनके पास एक लिटिल पेट डॉग था यानी एक छोटा सा पालतू कुत्ता था। हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी। इसका ये मतलब है कि उस ओल्ड कपल का यानी कि उन बूढ़े पति पत्नी का अपना कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वो अपने पेट डॉग को ही बच्चे की तरह प्यार करते थे। The old dame made it a cushion of blue crepe and at meal time Muko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. डेम का मतलब होता है रेडी यानी कि औरत, क्रेप का मतलब होता है नरम कपड़ा, मील टाइम का मतलब होता है खाने का समय, और स्नक का मतलब होता है आराम से। और उस ओल्ड कपल का जो पेट डॉग था उसका नाम था मूको। तो इसका ये मतलब है कि उस ओल्ड रेडी ने, उस बूढ़ी औरत ने मूको के लिए ब्लू कलर के नरम कपड़े का कुशन बनाया, और खाने के समय मूको उस कुशन के ऊपर एक बिल्ली की तरह आराम से बैठ जाता था। द काइंड पीपल फेड द पेट विद टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम दियर ओन चॉपस्टिक्स एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वॉन्टेड। इसका ये मतलब है कि वो दयालु पति पत्नी मूको को यानी कि अपने पेट डॉग को अपनी चॉपस्टिक से मछली के टुकड़े खिलाते थे और उबले हुए चावल खिलाते थे। फेड का मतलब है खिलाते थे, टिडबिट्स ऑफ फिश का मतलब है मछली के टुकड़े, और चॉपस्टिक्स ये स्टिक्स होती है जो खाने के लिए यूज की जाती हैं। दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक अ बींग विद अ सोल। प्रोटेक्टर्स का मतलब होता है रक्षक, यहाँ पर प्रोटेक्टर्स का मतलब है वो बूढ़े पति पत्नी जो कि मूको का बहुत ध्यान रखते थे। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि वो बूढ़े पति पत्नी मूको का इतने अच्छे तरीके से ध्यान रखते थे कि वो बेजुबान जानवर भी उनसे इंसानों की तरह ही प्यार करने लगा था। डम्ब का मतलब होता है गूंगा, बेजुबान, और क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी, जीव। The old man, being a rice farmer, went daily with hoe or spade into the fields, working hard from morning until O Tentosama, as the sun is called, had gone down behind the hills. इसका ये मतलब है कि वो बूढ़ा आदमी एक राइस फार्मर था यानी के चावलों की खेती करता था, और वो हर रोज कुदाल और फावड़ा लेकर खेतों में जाता था, और वो बूढ़ा आदमी बहुत मेहनत करता था सुबह से लेकर सूर्यास्त होने तक, जब तक कि सूरज पहाड़ियों के पीछे छुप नहीं जाता था। ओ टेंटोसामा का मतलब होता है सनसेट होना, सूर्यास्त होना। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, यानी कि हर रोज जब वो बूढ़ा आदमी काम के लिए जाता था तो वो डॉग, वो कुत्ता भी उस बूढ़े आदमी के साथ जाता था। नेवर वंस हार्मिंग द व्हाइट हेरोन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स।
हेरोन एक वाटर बर्ड होता है जिसे हिंदी में बगुला कहते हैं, और इस सेंटेंस का यह मतलब है कि मूको यानी कि वो पेट डॉग कभी भी हेरोन को किसी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचाता था, जो कि उस ओल्ड मैन के साथ साथ चलता था कीड़ों को खाते हुए। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्नड अप अ सॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। पेशेंट का मतलब होता है धैर्यवान और सॉर्ड का मतलब होता है मिट्टी का ढेला। इसका ये मतलब है कि वो बूढ़ा आदमी बहुत धैर्यवान था और बहुत दयालु था सभी जीवित प्राणियों के लिए। काइंड का मतलब होता है दयालु। और जब भी वो बूढ़ा आदमी काम के लिए जाता था तो वो मिट्टी के ढेले जमीन पर फेंकता था जिससे कि बर्ड्स को खाना मिलता था। मिट्टी के ढेरों में कीड़े होते हैं स्टूडेंट्स, और बर्ड्स इन कीड़ों को खाते हैं, यही कीड़े इन बर्ड्स का खाना होते हैं। और यहाँ पर भी यही बताया गया है कि हेरोन उस बूढ़े आदमी के साथ साथ चलता था वॉर्म्स को खाने के लिए यानी कि कीड़ों को खाने के लिए। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज रेक्स एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। इसका ये मतलब है कि एक दिन वो पेट डॉग यानी कि मूको उस बूढ़े आदमी के पास आया और अपने पंजों को उसकी टांगों पर रख दिया और अपने सर से पीछे एक जगह की तरफ इशारा करने लगा। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्रेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। पहले तो उस बूढ़े आदमी ने सोचा कि मूको यानी कि उनका पेट डॉग उसके साथ खेल रहा है और उस बूढ़े आदमी ने भी ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। इसका ये मतलब है कि मूको कुकू करके शिकायत करता रहा और आगे पीछे इधर उधर भागता रहा कुछ मिनटों तक। वाइनिंग का मतलब होता है कुकू करना, शिकायत करना, जैसे कि डॉग्स करते हैं। टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे या इधर उधर। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग। और फिर वो बूढ़ा आदमी मूको के पीछे पीछे कुछ गज दूर तक गया और फिर एक जगह पर पहुंचकर मूको ने बड़े ही जोश में जमीन को खरोचना शुरू कर दिया। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरिड बोन और बिट ऑफ फिश द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम। बूढ़े आदमी ने सोचा कि उस जगह जमीन के नीचे कोई हड्डी दबी होगी या फिर मछली का टुकड़ा दबा होगा। यही सोचकर बूढ़े आदमी ने अपनी कुदाल से उस जमीन को खोदा और उसने अपने सामने सोने का ढेर चमकता हुआ पाया, यानी कि जमीन के नीचे से बूढ़े आदमी को बहुत ज्यादा गोल्ड मिला, सोना मिला। Thus, in an hour, the old couple were made rich. इसका ये मतलब है कि एक घंटे में वो बूढ़े पति पत्नी अमीर बन गए थे। The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends, and gave plentifully to their poor neighbors. इसका ये मतलब है कि उस ओल्ड कपल ने जमीन खरीद ली, अपने दोस्तों को दावत दी, फीस का मतलब होता है दावत देना, पार्टी देना, और अपने पुअर नेबर्स यानी के गरीब पड़ोसियों की बहुत ज्यादा मदद की। प्लेंटीफुली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बड़ी मात्रा में। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मदर्ड हिम विद काइंडनेस। इसका ये मतलब है कि उस ओल्ड कपल ने मूको को यानी कि अपने पेट डॉग को इतना प्यार दिया कि वो उनके प्यार से सराबोर हो गया, यानी कि मूको उनके प्यार से भर गया। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। इसका ये मतलब है कि उसी गांव में एक और बूढ़े पति पत्नी रहते थे जो बहुत दुष्ट थे। विकेट का मतलब होता है दुष्ट यानी के बुरे। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स व्हेनेवर एनी पास्ट देयर हाउस।
इसका ये मतलब है कि वो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे, यानी कि दूसरों की दुख से, दूसरों की तकलीफों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो दयालु भी नहीं थे। और अगर कोई कुत्ता उनके घर के पास से गुजरता था तो वो उसे मारते थे और डांटते थे। किक्ड मतलब पैर से मारना और स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। हियरिंग ऑफ दियर नेबर्स गुड लक, दे कोएक्स्ड द डॉग इन टू दियर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज, होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम। और जब दुष्ट पति पत्नी को यह पता चला कि उनके पड़ोसी को बहुत सारा सोना मिला है, तो वो मूको को, यानी कि उस पेट डॉग को, फुसला कर अपने गार्डन में ले आए और उसे मछली के टुकड़े दिए और दूसरे स्वादिष्ट खाने दिए। कोएक्स का मतलब होता है फुसलाना और डेंटीज का मतलब होता है स्वादिष्ट भोजन, टेस्टी फूड। और उन्होंने सोचा कि मूको उनके लिए भी खजाना ढूंढेगा, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। बट द डॉग बींग अफ्रेड ऑफ द क्रूर पेयर वुड नीदर ईट नॉर मूव। इसका ये मतलब है कि मूको उस निर्दयी पति पत्नी से बहुत डरता था, इसलिए मूको ने ना तो कुछ खाया और ना ही वो वहां से हिला। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम। इसका ये मतलब है कि वो दुष्ट पति पत्नी मूको को घसीट कर, यानी कि खींच कर बाहर की तरफ ले गए और वो अपने साथ फावड़ा और कुदाल भी ले गए। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बिनिथ। और जैसे ही मूको उनके बगीचे में पाइन ट्री के पास पहुंचा, यानी कि चीड़ के पेड़ के पास पहुंचा, उसने अपने पंजों से जमीन को खुरचना शुरू कर दिया जैसे कि वहां नीचे बहुत बड़ा खजाना छुपा हो। माइटी का मतलब होता है बड़ा, विशाल, ट्रेजर होता है खजाना और बिनीत का मतलब होता है नीचे। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस्ड विद जॉय। और खुशी से नाचते हुए उस लालची मूर्ख बूढ़े आदमी ने चिल्लाकर अपनी पत्नी से कहा कि मुझे फावड़ा और कुदाल दो, क्योंकि उसे यह लग रहा था कि जमीन के नीचे खजाना दबा हुआ है। देन द कोवेटस ओल्ड फेलो विद अ स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन विद अ हो बिगिन टू डिग, बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप दियर टूल्स एंड शट दियर नोजेज। और फिर उस लालची बूढ़े आदमी ने फावड़े से जमीन को खोदना शुरू किया और उस बूढ़ी औरत ने कुदाल से जमीन को खोदना शुरू किया। कोविटस का मतलब होता है लालची, स्पेड का मतलब होता है फावड़ा, ओल्ड क्रोन का मतलब है बूढ़ी औरत, हो का मतलब है कुदाल, बिगिन टू डिग का मतलब है खोदना शुरू किया। लेकिन वहां से उन्हें कोई खजाना नहीं मिला, सिर्फ मरा हुआ बिल्ली का एक बच्चा मिला, जिसकी गंदी स्मेल की वजह से उन्होंने अपने औजार फेंक दिए और अपनी नाक को बंद कर लिया। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो। गुस्से में उस बूढ़े आदमी ने मूको को ठोकर मारी और उसे इतना पीटा कि वो मरने वाली कंडीशन में आ गया। और उस बूढ़ी औरत ने अपनी धारदार कुदाल से मूको के सर को लगभग काट दिया। फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्सा, किक्ड का मतलब होता है ठोकर मारना, चॉपिंग ऑफ का मतलब होता है काट देना। दे देन फ्लंग हिम इन टू द होल एंड हीप्ड द अर्थ ओवर हिज कार्कस। और फिर उन्होंने मूको की डेड बॉडी को गड्ढे में फेंक दिया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। कार्कस का मतलब होता है एनिमल की डेड बॉडी, फ्लंग का मतलब होता है फेंक दिया और हीप्ड द अर्थ का मतलब होता है मिट्टी का ढेर। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन
his own child went at night under the pine tree. और जब उस बूढ़े दयालु आदमी को अपने पेट डॉग की डेथ के बारे में पता चला तो वो रोया, उसने उसके लिए विलाप किया जैसे कि वो पेट डॉग उसका खुद का बच्चा था। मॉर्निंग का मतलब होता है रोना, विलाप करना, दुख मनाना। और रात के समय वो बूढ़ा दयालु आदमी उस पाइन ट्री के नीचे गया जहां पर उसके पेट डॉग को मारकर गाड़ा गया था। Set up some bamboo tubes in the ground, such as are used before tombs, in which he put fresh flowers. इसका ये मतलब है कि उस बूढ़े दयालु आदमी ने उस जगह पर कुछ बैम्बू ट्यूब्स लगा दी जैसे कि कब्रों के सामने लगाते हैं, और उन बैम्बू ट्यूब्स में फ्रेश फ्लावर्स लगा दिए। Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave. And burned several costly sticks of incense. और फिर उस बूढ़े दयालु आदमी ने मूको की कब्र पर एक प्याली पानी और एक प्लेट खाना रख दिया और बहुत सारी महंगी अगरबत्तियां जलाई। ग्रेव का मतलब होता है कब्र, स्टिक्स ऑफ इंसेंस का मतलब होता है अगरबत्तियां। He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. इसका ये मतलब है कि वो बूढ़ा दयालु आदमी बहुत देर तक अपने पेट डॉग के लिए रोता रहा और उसे प्यारे प्यारे नामों से बुलाता रहा जैसे कि वो अभी भी जिंदा हो। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, "Cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a mill for your bean sauce." इसका ये मतलब है कि उस बूढ़े दयालु आदमी के सपने में उसी रात उस पेट डॉग की स्पिरिट यानी कि आत्मा आई और उसने कहा कि मेरी कब्र के ऊपर जो पाइन ट्री है उसे काट दो और राइस पेस्ट्री बनाने के लिए उस पेड़ से ही एक मोर्टर यानी कि ओखली बनाओ और बीन सॉस बनाने के लिए उस पेड़ से ही एक मिल यानी कि चक्की बनाओ। स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा, ग्रेव का मतलब होता है कब्र, मोर्टर का मतलब होता है ओखली। ओखली बाउल की तरह होती है जिसमें मसाले कूटे जाते हैं। मिल का मतलब होता है चक्की। बीन यानी के बीज और सॉस का मतलब होता है चटनी। यानी के पाइन ट्री को काट के उस बूढ़े दयालु आदमी को अब दो चीजें बनानी थी, एक तो राइस पेस्ट्री बनाने के लिए मोटर यानी के ओखली बनानी थी और बीन सॉस बनाने के लिए मिल यानी के चक्की बनानी थी। सो द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन द ट्री एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 feet long. इसका ये मतलब है कि उस बूढ़े दयालु आदमी ने उस पाइन ट्री को काट दिया और उस पेड़ के तने के बीच में से 2 feet लंबा एक सेक्शन यानी के एक पार्ट काट लिया। With great labor, partly by fire, partly by the chisel, he scraped out a hollow place as big as a small bowl. इसका ये मतलब है कि उस बूढ़े दयालु आदमी ने बहुत ज्यादा मेहनत की और उस पेड़ के उस टुकड़े से थोड़ा सा जलाकर और थोड़ा सा छैनी से खुरच कर एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, एक ओखली बना ली। लेबर का मतलब होता है मेहनत और चीजर का मतलब होता है छैनी। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस। और उस बूढ़े दयालु आदमी ने एक लंबे हैंडल वाला लकड़ी का हैमर बनाया जो कि चावलों को कूटने के काम आता है। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, पाउंडिंग का मतलब होता है कूटना, पीसना। When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. और जब नए साल का समय नजदीक आया तो उस बूढ़े दयालु आदमी का राइस पेस्ट्री बनाने का मन हुआ।
When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. इसका ये मतलब है कि जब चावल उबल गए तो ग्रैनी ने यानी कि उस बूढ़ी औरत ने उबले हुए चावलों को मोटर में डाल दिया यानी कि ओखली में डाल दिया और ये वही ओखली थी जो उस बूढ़े दयालु आदमी ने पेड़ को काट कर बनाई थी और उस बूढ़े दयालु आदमी ने हैमर की मदद से चावलों को कूटना शुरू किया और उन चावलों से डव बन गया यानी कि गूंदा हुआ आटा बन गया। डव का मतलब होता है गूंदा हुआ आटा। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि रोटी बनाने के लिए आटे को गूंदा जाता है, तो जब उस बूढ़े दयालु आदमी ने चावलों को कूटा तो वो भी गूंदे हुए आटे की तरह हो गए और उस बूढ़े दयालु आदमी ने चावलों को बहुत जोर से और बहुत तेजी से तब तक कूटा जब तक कि वो पकने के लिए तैयार नहीं हो गए। सडनली द होल मास टर्न्ड इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइंस और अचानक से उन्होंने देखा कि चावलों का जो आटा बना था वो सोने के सिक्कों के ढेर में बदल गया। व्हेन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंडमिल एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगिन टू ग्राइंड द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन और जब उस बूढ़ी दयालु औरत ने हैंड मिल में बीन्स डाले यानी के हाथ से चलने वाली चक्की में बीज डाले और उसे पीसना शुरू किया तो उस चक्की से गोल्ड की बारिश होने लगी। जैसे बारिश की बूंदें नीचे की तरफ गिरती हैं, वैसे ही उस हैंड मिल से उस चक्की से सोने की बूंदें नीचे गिरने लगी। मीनवाइल द एनवियस नेबर पीप्ड इन एट द विंडो When the boiled beans were being ground, इसका ये मतलब है कि जब दयालु पति पत्नी उबले हुए बीजों को पीस रहे थे और चक्की में से सोने की बारिश हो रही थी तो जो वो बुरे वाले पति पत्नी थे जिन्होंने मूकों को मारा था उसी समय उन्होंने विंडो से खिड़की से झांक कर ये सब देखा कि चक्की में से सोने की बारिश हो रही है। Meanwhile का मतलब होता है उसी समय, envious का मतलब होता है jealous, ईर्ष्या करने वाले, peeped का मतलब होता है झाका। Goody me, cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold. हे भगवान, वो बुरी वाली बूढ़ी औरत चिल्लाई जब उसने देखा कि चटनी की हर बूंद सोने में गोल्ड में चेंज हो रही है। ड्रिपिंग का मतलब होता है ड्रॉप्स, बूंदे। और कुछ ही मिनटों में मिल के नीचे यानी कि चक्की के नीचे जो टब रखा हुआ था वो पूरी तरह से गोल्ड से भर गया, सोने से भर गया। सो The old couple were rich again, और फिर वो जो बूढ़े दयालु पति पत्नी थे वो फिर से अमीर हो गए। The next day, the stingy and wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic mill. इसका ये मतलब है कि अगले दिन वो कंजूस और दुष्ट पति पत्नी जो उनके पड़ोसी थे उन दयालु पति पत्नी के पास आए और उनसे ओखली और जादुई चक्की उधार लेकर चले गए यानी के मांग कर ले गए। स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस, विकेड यानी के दुष्ट और बोरोड का मतलब होता है उधार लेना। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स यानी के उन्होंने ओखली में तो उबले हुए चावलों को भर दिया और चक्की में बीज डाल दिए। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड इसका ये मतलब है कि उस बूढ़े आदमी ने चावलों को कूटना शुरू किया और उस बूढ़ी औरत ने बीजों को पीसना शुरू किया। पाउंड का मतलब है कूटना और ग्राइंड का मतलब है पीसना। बट At the first blow and turn, the pastry and sauce turned into a foul mass of worms. लेकिन जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने
चावलों को कूटने के लिए पहला ब्लो किया, पहला वार किया, और जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने बीजों को पीसने के लिए चक्की को घुमाया, वो पेस्ट्री और वो सॉस बदबूदार कीड़ों में बदल गए। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, दे चॉप्ड द मिल इंटू पीसेस टू यूज एज फायरवुड। और इससे उन बुरे पति पत्नी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने चक्की को काट दिया और चक्की के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन्होंने चक्की के टुकड़ों को जलाने के लिए छोड़ दिया। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम टेलिंग हिम हाउ द विकेट पीपल हैड बर्न्ड द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। इसका यह मतलब है कि कुछ दिनों बाद उस दयालु बूढ़े आदमी को फिर से एक सपना आया जिसमें मूको की आत्मा ने उसे बताया कि कैसे उन दुष्ट लोगों ने पाइन ट्री से बनी मिल को, यानी कि चक्की को, जला दिया था। टेक द एशेस ऑफ द मिल, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिरिट। इसका यह मतलब है कि कुत्ते की आत्मा ने उस बूढ़े दयालु आदमी से यह कहा कि जली हुई चक्की की राख लेकर आओ और उस राख को मुरझाए हुए पेड़ों पर छिड़क दो, बिखेर दो, जिससे कि वो मुरझाए हुए पेड़ फिर से खिल जाएंगे, फिर से हरे भरे हो जाएंगे। एशेस का मतलब होता है राख, स्प्रिंकल का मतलब होता है बिखेरना, छिड़कना, विदर्ड ट्रीज का मतलब होता है मुरझाए हुए पेड़, ब्लूम का मतलब होता है हरा भरा हो जाना, खिल जाना। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेड नेबर्स हाउस वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ दियर स्क्वेयर फायर प्लेस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पिनिंग। और फिर वो बूढ़ा दयालु आदमी उठा और अपने दुष्ट पड़ोसियों के घर गया और वहां पर उसने देखा कि उन शैतान पति पत्नी ने कमरे के बीच में स्क्वायर शेप की एक अंगीठी बना रखी थी और वो दोनों उस अंगीठी के किनारे पर बैठे थे, यानी कि अंगीठी की एक साइड में बैठे थे और वो स्मोक कर रहे थे और चरखा चला रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वॉर्म्ड दियर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेस फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल व्हाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस। इसका ये मतलब है कि वो दुष्ट पति पत्नी हर थोड़ी देर में अपने हाथों और पैरों को उस अंगीठी की आग से सेक रहे थे और उस अंगीठी में उन्होंने चक्की की लकड़ी को ही जलाया हुआ था और उनके पीछे चक्की के बहुत सारे टुकड़ों का ढेर लगा हुआ था। पाइल का मतलब होता है ढेर, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे और ब्लेस का मतलब होता है आग की लपटे। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज, यानी कि उस बूढ़े दयालु आदमी ने विनम्रता के साथ राख मांगी। दो द कोवेटस कपल टर्न्ड अप देयर नोजेज एट हिम एंड स्कोल्डेड हिम एज इफ ही वर अ थीफ, दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेज। यानी कि लालची पति पत्नी ने उस बूढ़े दयालु आदमी की तरफ गुस्से में देखा, घृणा से देखा और उसे डांटा जैसे कि वो कोई चोर हो और फिर उन्होंने उस बूढ़े दयालु आदमी को अपनी टोकरी में राख भर लेने दी। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन। और फिर वो बूढ़ा आदमी अपने घर वापस आया और अपनी पत्नी को बगीचे में ले गया। इट बींग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, यानी कि ये सर्दियों का मौसम था जिसकी वजह से उनका फेवरेट चेरी ट्री बिल्कुल उजड़ा हुआ था और उस पर कोई फूल नहीं लगा था। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लूसम्स अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम्ड द एयर। यानी कि उस बूढ़े दयालु आदमी ने उस उजड़े हुए पेड़ पर एक चुटकी राख बिखेर दी
और वो पेड़ खिलने लगा और उसके ऊपर गुलाबी रंग के फूलों की एक चादर सी बिछ गई, जिससे कि हवा में उन फूलों की खुशबू फैल गई। स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़क देना, बिखेर देना। पिंच का मतलब होता है चुटकी भर। ब्लूम का मतलब होता है फूल। परफ्यूम दी एयर का मतलब होता है हवा में सुगंध का फैल जाना। द न्यूज ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरी वन रैन आउट टू सी द वंडर। ये समाचार गांव में फैल गया और हर व्यक्ति इस चमत्कार को देखने के लिए, इस अद्भुत घटना को देखने के लिए दौड़ पड़ा। द कोवेटस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मिल केप्ट देम टू मेक विदर्ड ट्रीज ब्लॉसम। इसका ये मतलब है कि लालची पति पत्नी ने भी ये कहानी सुनी और उन्होंने चक्की की बची हुई राख को इकट्ठा कर लिया और उसे सूखे हुए पेड़ों में फूल उगाने के लिए संभाल कर रख लिया। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डाइमियो वॉज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द विलेज सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेस। इसका ये मतलब है कि जब बूढ़े दयालु आदमी को ये पता चला कि उनका डाइमियो यानी कि उनका जमींदार गांव के पास जो राजमार्ग है वहां से गुजरने वाला था, तो वो बूढ़ा दयालु आदमी जमींदार को देखने के लिए निकल पड़ा और अपने साथ टोकरी में राख भी ले गया। एज द ट्रेन अप्रोच्ड ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड। और जैसे ही जमींदार की गाड़ी नजदीक आई तो सड़क के किनारे एक सूखा हुआ चेरी का पेड़ था और बूढ़ा दयालु आदमी उस सूखे हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। क्लाइम्ब का मतलब है चढ़ गया और वे साइड का मतलब होता है सड़क के किनारे। नाउ इन द डेज ऑफ द डाइमियोस इट वॉज द कस्टम वेन दियर लॉर्ड पास्ड बाय फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप दियर हाई विंडोज। इसका ये मतलब है कि उन दिनों ये रिवाज था कि जब भी जमींदार कहीं से गुजरता था तो उस जगह पर जो लोग रहते थे उन्हें अपनी ऊंचाई वाली विंडोज को, यानी कि जो खिड़कियां ऊंचाई पर होती थी, उन खिड़कियों को बंद करना पड़ता था। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप। यानी कि लोगों को अपनी खिड़कियों पर कागज भी चिपकाना होता था ताकि वो अपने जमींदार को नीची निगाह से देखने की गुस्ताखी ना करे। इम्पर्टिनेंस का मतलब होता है गुस्ताखी, धृष्टता। ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन दियर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय। इसका ये मतलब है कि सड़क के किनारे खड़े लोग अपने हाथों और घुटनों के बल बैठ जाते थे और जब तक जमींदार का काफिला निकल नहीं जाता था, यानी कि जमींदार की सवारी निकल नहीं जाती थी, तब तक वो पेट के बल लेटे रहते थे। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है पेट के बल लेटना। प्रोसेशन का मतलब होता है सवारी, काफिला। द ट्रेन ड्रू नियर यानी कि जमींदार की गाड़ी पास आ गई थी। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज। यानी कि एक लंबा और ताकतवर आदमी सबसे आगे चल रहा था और चिल्लाकर लोगों को बता रहा था अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। एंड एवरी वन नील्ड डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग। और जब काफिला वहां से गुजर रहा था तो हर व्यक्ति अपने घुटनों के बल बैठ गया। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एजिड मैन अप इन द ट्री। और अचानक से गाड़ी का जो लीडर था, यानी गाड़ी को जो चलाने वाला था, उसकी नजर पेड़ पर चढ़े बूढ़े दयालु आदमी पर पड़ी।
कोर्ट साइट का मतलब है नजर पड़ना। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो ही प्रटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय। यानी कि वैन का जो लीडर था वो उस बूढ़े दयालु आदमी को गुस्से में बुलाने वाला था, लेकिन फिर उसने देखा कि वो आदमी बहुत ही बूढ़ा था, इसलिए उसने उसे अनदेखा कर दिया और उसके सामने से गुजरने लगा। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। सो व्हेन द डायमियोस पैलेंकिन ड्रू नियर द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेस फ्रॉम हिज बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इन टू ब्लॉसम। यानी कि जैसे ही जमींदार की पालकी पेड़ के पास आई, बूढ़े दयालु आदमी ने टोकरी में से एक चुटकी राख निकाली और उसे पेड़ के ऊपर बिखेर दिया और अगले ही पल उस पेड़ पर फूल खिल गए। द डिलाइटेड डाइमियो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गॉट आउट टू सी द वंडर। यानी कि जमींदार बहुत प्रसन्न हुआ और उसने पालकी को रोकने की आज्ञा दी और ये चमत्कार देखने बाहर निकल आया। डिलाइटेड का मतलब होता है प्रसन्न, हैप्पी। वंडर का मतलब होता है चमत्कार, अद्भुत घटना। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स स्पंज केक फैंस एंड अदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवन हिम। यानी के जमींदार ने बूढ़े दयालु आदमी को अपने पास बुलाया और उसे धन्यवाद दिया और जमींदार ने बूढ़े दयालु आदमी को रेशमी कपड़े दिए, केक दिया, पंखे दिए और दूसरे इनाम दिए। सिल्क यानी के रेशम, रोब्स का मतलब होता है कपड़े, फैंस यानी के पंखे और रिवॉर्ड्स का मतलब होता है इनाम। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल। और जमींदार ने बूढ़े दयालु आदमी को अपने महल में आने का निमंत्रण भी दिया। इनवाइट का मतलब होता है निमंत्रण देना, कैसल का मतलब होता है महल, हवेली या किला। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ। और वह बूढ़ा दयालु आदमी खुशी खुशी अपने घर आ गया और अपनी प्रिय पत्नी के साथ अपनी खुशियां बांटी। ग्लीफुली का मतलब होता है प्रसन्नता पूर्वक और जॉय का मतलब होता है खुशी। बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेस एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे। लेकिन जब लालची बूढ़े आदमी ने इसके बारे में सुना तो वो कुछ जादुई राख लेकर राजमार्ग पर पहुंच गया। There he waited until a daimyo's train came along and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. और वो जमींदार की सवारी आने की प्रतीक्षा करने लगा और घुटनों पर बैठने की बजाय जैसे कि अन्य लोग कर रहे थे वो एक मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. और जब जमींदार उस पेड़ के नीचे आ गया तो उस दुष्ट व्यक्ति ने मुट्ठी भरकर राख उस पेड़ पर बिखेर दी, लेकिन इससे उस पेड़ में जरा सा भी चेंज नहीं आया। The wind blew the fine dust in the noses and eyes ऑफ द डायमियो एंड हिज वाइफ। और हवा के साथ वो जो डस्ट थी, जो राख थी, वो जमींदार और जमींदार की पत्नी की नाक और आंखों में चली गई। सच स्नीजिंग एंड चौकिंग। और इससे उन्हें छींके आने लगी और उनका दम घुटने लगा। स्नीजिंग का मतलब होता है छींके आना और चौकिंग का मतलब होता है दम घुटना। इट स्पॉइल्ड All the pomp and dignity of the procession. इससे जमींदार की सवारी की शान और गौरव खराब हो गया। Spoil का मतलब होता है खराब होना
पॉम्प का मतलब होता है शान, डिग्निटी का मतलब होता है गौरव, प्रोसेशन का मतलब होता है सवारी, जुलूस. द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज सीज्ड द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज एश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड. और वो आदमी जो चिल्लाकर ये कहता था कि अपने घुटनों पर बैठ जाओ, उसने मूर्ख बूढ़े आदमी को गर्दन से पकड़ा और उसे खींचकर पेड़ से नीचे ले आया और उसे और उसकी राख से भरी टोकरी को सड़क के किनारे जो गड्ढा था उस गड्ढे में फेंक दिया. सीस्ट का मतलब है पकड़ा, ड्रैग का मतलब खींचा, टम्बल्ड का मतलब फेंक दिया, डिच का मतलब है गड्ढा, बाय द रोड सड़क के किनारे. देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड. और फिर उसने उस बूढ़े दुष्ट आदमी की अच्छी खासी पिटाई की और उसे मरने के लिए छोड़ दिया. दस द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज. यानी कि वो दुष्ट बूढ़ा व्यक्ति वही कीचड़ में पड़ा मर गया, लेकिन वो बूढ़ा दयालु आदमी जो कुत्ते का मित्र था वो शांत और समृद्ध होकर जिंदगी जीने लगा. और वो बूढ़ा दयालु आदमी और उसकी पत्नी दोनों को ही स्वस्थ और लंबा जीवन मिला. आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.